नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ कालू सिंह गुजर और एक हम नया आइटम लेके आ रहे हैं जो कि तंदूर से है। काफ़ी सारी हमने वेजिटेबल यानी कि सब्जियां बनाई है, यानी कि मेन कोर्स में काफ़ी सारे आइटम बनाए हैं। तो आज हम जो लेके आ रहे हैं तंदूर से, हम जो जिसको हम ब्रेड बोल देंगे, यानी कि तंदूर से हम ब्रेड्स लेके आ रहे हैं। ब्रेड्स में आज हम दो वेराइटी लेके आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नान, रोटी, मिस्सी, लच्छा, पराठा डाला था। आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें हम मिक्स कुलचा और गार्लिक नान डालेंगे। तो छोटे छोटे इन्ग्रीडियंट से छोटा सा वीडियो हम बना के डालेंगे। तो आप भी इस तरीके से, यानी कि होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इस तरीके से बना सकते हो, होममेड में बना सकते हो जिसको हम बोलेंगे। तो होममेड तरीके से हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा हमारा गार्लिक नान रहेगा, और उसके बाद जो दूसरा रहेगा हमारा वो रहेगा मिक्स कुलचा, यानी कि स्टफ कुलचा जिसको हम बोलेंगे। तो ये कैसे बनेगा, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या, यानी कि ये जो हमारा ग्रीन पीस है, हमने इसको कीमा किया है। कीमा किन्स की हमने इसको चॉप किया है, फाइन चॉप किया है इसको। ये पनीर हमने ग्रेट किया, ये आलू पटेटो हमने ग्रेट किया। मिक्स में हमारा जो वेजिटेबल है, इसमें कैरेट हो गया, बीन्स हो गया, और कॉलीफ्लोर हो गया यानी कि फूल गोभी हो गया, बीन्स हो गया और गाजर हो गया, इसको हमने बॉईल करके फाइन चॉप किया। थोड़ा सा ऑनियन टच करेंगे, ये हमारा वाइट सॉल्ट हो गया। मिर्ची अकॉर्डिंग हम स्पाइस के अकॉर्डिंग लेंगे, कितना हमने स्पाइस लेना है, यानी कि जितना हम स्पाइसी मिर्ची लेंगे उस हिसाब से हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये चाट मसाला हो गया, कसूरी मेथी हो गया, ये ग्रीन चिल्ली भी उसी के अकॉर्डिंग है, ये कोरिएंडर हो गया। ये सारे मिक्स करने के बाद आप इसका पहले सबसे पहले मसाला बनाओगे। मसाला बनाने के बाद आप इसको मैदा में, मैदा जो लगाओगे यानी कि जो डो लगाओगे, डो मीन्स आप समझ गए होंगे, जो मैदा हम गूंद के रखेंगे उसको किस तरीके से गूंदेंगे वो आपको पिछले मैंने वीडियो में बता रखा है। तो मैदा के अंदर ये स्टफ होके जाएगा, यानी कि स्टफ पराठा उसी में जाएगा, और गार्लिक नान भी आपका मैदा में ही जाएगा। तो गार्लिक नान के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ गार्लिक लेना है, और स्पाइस करने तो हल्का सा चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर। तो सबसे पहले ये हमारा, ये गार्लिक नान के लिए ये हो गया, गार्लिक हो गया हमारा, ये ग्रीन कोरिएंडर हो गया, चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हो इसमें गार्लिक नान में। ये इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। और गार्लिक नान कैसे लगाना है मैं आपको वो बताऊँगा। आएंगे यानी कि जो हमारा मसाला, यानी कि स्टफ पराठा का मसाला, स्टफ कुलचा जिसको हम बोलेंगे, तो वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये हमने आलू डाला, यानी कि बॉईल आलू को हमने मैश करके डाला, ग्रेट करके डाला। उसके बाद ये कॉटेज चीज़ जिसको हम पनीर बोलेंगे, पनीर डाला। पनीर के बाद ये हमारा वेजिटेबल हो गया जो मैंने आपको बताया, यानी कि कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लोर, पत्ता गोभी, फूल गोभी हो गया, गाजर हो गया और बीन्स हो गया। ये हमने बॉईल करके और पानी इसका स्क्यूज करके वो सब डाला। उसके बाद ये ग्रीन पीस हो गया फाइन, ये हो गया, ये ग्रीन कोरिएंडर हो गया हमारा, ग्रीन चिल्ली हो गया, हल्का सा हम ऑनियन टच कर सकते हैं, ये ऑनियन हो गया। ये चिल्ली पाउडर आपको अकॉर्डिंग टू, आप जो जितना स्पाइसी लोगे यानी कि जितना मिर्ची आप खाते हो आपके अकॉर्डिंग, ये चाट मसाला हो गया, और लास्ट में ये वाइट सॉल्ट हो गया। ये सारा डालने के बाद आपको इस तरीके से ये मिक्स कर देना है, ये ऐसे। ये हटा दे, इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, या जो मैंने आपको दिखाया है ये सारा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा आप टेस्ट भी कर सकते हो, यानी कि नमक मिर्ची आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। तो यानी कि जो हमारा टीस्पून रहेगा उसका हाफ आप इस अकॉर्डिंग में, यानी कि जितना हमने दो कुलचा का मसाला बनाया है इसमें हाफ आप टीस्पून आप मसाला यूज कर सकते हैं, यानी कि 5-5 ग्राम के अकॉर्डिंग। और थोड़ा चाट मसाला हम थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप मिक्स कर लोगे, और ये हमारा जो कि इस तरीके से होना चाहिए। आप ग्रीन कोरिएंडर गार्लिक नान में ऐड कर सकते हो, और विदाउट कोरिएंडर भी आप गार्लिक नान लगा सकते हो। तो ये दोनों हम पहले उसमें, इसको तो हम जो ये मसाला है हमारा इसको अंदर स्टफ करेंगे, और गार्लिक नान हमने ओपन लगाना है, यानी ओपन मीन्स की यानी कि ऊपर से लगाना है। तो दोनों कैसे लगाना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इस तरीके से आप मैदा लगाओगे, यानी कि मैदा जो लगा रहा होगा, मैदा में आपको क्या करना है, मैदा में थोड़ा सा आपको मैदा जब लगाओगे तो मैदा लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें साल्ट यूज करना है, थोड़ा सूजी और थोड़ा सा मिल्क यूज करके आप मैदा लगा के रख सकते हो।
ये लगाने के बाद आप इस तरीके से इसको गोल साइज में बना लोगे। गोल साइज बनाने के बाद ये जो नीचे जो ड्राई मैदा हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो करना है। उसके बाद जो ये स्टफिंग रहेगा, इस तरीके से आपको बॉल बनाना है, यानी कि इस तरीके से ये अच्छा खासा आप स्टफिंग करोगे ये इस तरीके से। उसके बाद दोनों साइड आपको ऐसे इस तरीके से पकड़ना है, ये स्टफ हो गया ऐसे इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे आपको रख देना है को, यानी कि नीचे मैदा लगा के, और गार्लिक नान इस गार्लिक है जो इसके ऊपर ऑन टॉपिंग ऐसे कर देना है आपको ये। उसके बाद आपको थोड़ा हल्के हाथ से इस तरीके से उठाना है इसको, और हाथ से आप थोड़ा ऐसे करते रहोगे कंटिन्यू। ये ऐसे इस यहाँ तक आप कर लोगे इसको, को ऐसे इस तरीके से कर लेना है ये ऐसे। ये इस तरीके से करना है, और उसके बाद थोड़ा सा आपको ऐसे करके ये कर देना है। अगर तंदूर में लगाना है तो आप हल्का सा थोड़ा वाटर टच कर सकते हैं ताकि आपका कुलचा गिरेगा नहीं, और इस तरीके से तंदूर में लगा देना है। गार्लिक नान भी सेम होंगे, एक से दो बार आपको ऐसे करना है, और थोड़ा सा इसको नीचे खींच देना है, और ये गार्लिक नान हो गया आपका। इस तरीके से आपका कुलचा ये सिक्के तैयार हो गया है। हल्के सरिये से आप निकाल सकते हो इसको, और थोड़ा सा अगर कच्चा है तो आप इस तरीके से सेक सकते हो। ये इस तरीके का कलर आपका कुलचा का होना चाहिए, और गार्लिक नान रहेगा वो आपका इस तरीके से रहेगा, ये कलर गार्लिक नान का रहेगा आपका कुलचा। आप कुलचा प्योर देसी घी के साथ खा सकते हो, ये ऐसे इस तरीके से देसी घी के साथ ये हो गया। गार्लिक नान में आप बटर लगाओगे हल्के हाथ से, ये हमने बटर लगा दिया। ये गार्लिक नान आपको ट्रायंगल शेप में काटना है ये ऐसे, और ये ऐसे। उसके बाद ये ऐसे प्लेट में रखना है आपको गार्लिक नान इस साइड। कुलचा आप इसको 1/4 कर सकते हो आप इस तरीके से, तरीके से आपका कुलचा हो गया। तो ये हो गया इस कलर में, ये आपका यानी कि कुलचा हो गया। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से आप बना सकते हो, खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे कुलचे बना सकते हो। और भी काफ़ी सारे वीडियो मैंने कुलचा नान का ये सब का डाल रखा है, तो आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हो। देखने के साथ साथ आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर बेल आइकन के साथ ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो आपको भी मिलता रहेगा, आप देखते रहो। इसी तरीके से आप सारे वीडियोस देखते रहोगे, सीखते रहोगे, एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच।